सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। यार देखो, ओडा का न्यू स्टेटमेंट किस किसने रीड कर लिया। मुझे जहां तक लगता है, अगर रीड नहीं भी किया ना, तो इसके ऊपर 90% यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दिया है। तो इस वजह से मुझे जहां तक लगता है, हर किसी वन पीस फैंस को ये बात पक्का मालूम होगा कि ओडा फाइनल सागा ड्रॉ कर रहा है, प्लस वो 4 हफ्तों के लिए ब्रेक पे है। अब हाँ देखो, मैं फाइनल सागा पे ये वाला डिस्कशन करूंगा। एक तरह से तुम इसको थ्योरी कहो, जो कहना चाहो कह सकते हो, एक तरह से ये प्रेडिक्शन भी है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, ये वीडियो देखते हुए तुम सब जरूर इंजॉय करोगे। प्लस इस वीडियो पे मैं थोड़ा बहुत ही ज्यादा मतलबी बन के तुम सबसे लाइक एम का डिमांड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, मैं जितना डिमांड करने वाला हूँ ना इस वीडियो पे, उतना ये वर्थ इट है। तो हाँ यार, इस वीडियो पे लाइक एम मेरा होने वाला है 1.5K लाइक। तो मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग 1500 लाइक करवा दोगे। वैसे अगर हम देखने जाएं तो मेरे कभी भी वीडियोस 1.5K ऐसे नॉर्मल जाते नहीं है। पिछले बार मैंने जब लाइक एम रखा था 1000 का, तो तुम लोगों ने एक दिन में ही करवा दिया था। तो मुझे इस बार पूरा भरोसा है कि तुम लोग 1.5K भी करवा दोगे। हाँ ज़्यादा बड़ा है, पर मैं तुम सब पे पूरा 100% भरोसा करता हूँ, तुम लोग आराम से करवा सकते हो। खैर फालतू की बातें हो गई, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। What will happen in final saga? अगर तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है, तो मैं तुम्हें जानकारी दे देता हूँ। बहुत सारे आर्क्स मिलके, दो या दो से ज्यादा आर्क्स मिलकर के एक सागा को बनाते हैं। जिस तरह से योंको सागा, ये बहुत बड़ा सागा था, और अब ये योंको सागा मेरे हिसाब से खत्म हो गया होगा, खासकर 1053 चैप्टर के बाद। इसके बाद से जो है फाइनल सागा स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर के एक चीज मुझे बोलेंगे, भाई वानो आर्क तो खत्म नहीं हुआ है, तो तुम किस तरह से कह सकते हो कि फाइनल सागा 1054 चैप्टर से ही स्टार्ट होगा। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 1054 चैप्टर से ही स्टार्ट हो, मतलब एक तरह से मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि 1054 चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाएगा फाइनल सागा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, वानो के मिडिल से ही स्टार्ट होगा फाइनल सागा। वानो आर्क अभी और लंबा चलेगा, बिकॉज हमें जो है ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्रीन बुल आ रहा है, और उसको जिस तरह से दिखाया है, प्लस वानो कंट्री के बाहर जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप्स तैनात हैं, मतलब यहाँ पर हाईली चांसेस बनते हैं कि इतनी आसानी से वानो आर्क खत्म नहीं होने वाला। भले लूफी, बग्गी, सैंक्स और ब्लैक बियर्ड योंको बन गए हैं अभी, पर अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट का उंगली करना बाकी है। और यहाँ पर एक हमें छोटा सा वॉर भी देखने को मिल सकता है समुंदर पे। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि वानो आर्क के मिडिल से ही फाइनल सागा स्टार्ट हो, बिकॉज ओडा ने एक बार कहा था कि वानो के बाद तुम सब मरीन फोर्ट को भूल जाओगे, प्लस ये फाइनल वॉर नहीं है, तो तुम समझ रहे हो ना, अभी एक खतरनाक वाला लड़ाई आना बाकी है। मेरे को अगर तुम पूछो कि ओनिगासीमा वॉर को देखने के बाद क्या मैं मरीन फोर्ट को भूलाऊं, नहीं, मेरे लिए अब भी मरीन फोर्ट की लड़ाई बेटर है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है जो फाइनल सागा का स्टार्टिंग है वो वानो के मिडिल से स्टार्ट हो, मतलब आने वाले 2-3 चैप्टर के बाद से ही स्टार्ट हो जाए। और जिस हिसाब से खतरनाक तरीके से ये फाइनल सागा का अगर ओडा स्टार्ट करता तबाहीदार लड़ाई के साथ, तो तुम सोच ही सकते हो एंडिंग किस प्रकार का होगा। खैर ये सब बातें तो हो गई यार, किस तरह से फाइनल सागा का स्टार्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस सागा के अंदर हमें और कितने आर्क्स देखने को मिलेंगी। तो मेरे से अगर तुम पूछो, 2 आर्क तो यार फिक्स है, मतलब 2 आइलैंड पे लूफी का जाना फिक्स है, 1 एल्बाफ, 2 लाफ्टेल। ये दोनों जगह अगर वो नहीं गया तो कोई मतलब नहीं बनता वन पीस देखने का। साथ ही साथ इसी सागा के अंदर वन पीस अपने प्राइम में जाएगा। हाँ भाई, तुम सही समझे, इतने टाइम से जो ओडा राज कर रहा है मांगा इंडस्ट्री में, अभी तक वन पीस अपने प्राइम में नहीं गया था, पर इस सागा के अंदर वन पीस अपने प्राइम में जाएगा। प्लस ये हो सकता है इस सागा के अंदर हमें वन पीस काफी ज्यादा इंटरनेट में बवाल मचाते हुए दिखे, ट्रेंडिंग पे वो नजर आए, कई कई हफ्तों तक भी ट्रेंडिंग पे हो सकता है, उससे कोई हैरान मत होना। अब हम बात करते हैं वन पीस के अंदर के वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस फाइनल सागा में। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट की। आज से पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट कभी भी इन्हें बहुत बड़ा थ्रेड की तरह नहीं देखती थी, पर अब वानो के बाद वो लोग इसे जरूर देखेंगे, क्योंकि जब इसका डेविल फ्रूट अवेकन हुआ था तो जॉय बॉय आया था, साथ ही साथ इसका क्रू
पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा, स्ट्रॉन्ग बंदों की भरमार है। भाई तुम ये देखो ना, लेटेस्ट चैप्टर जो 1052 की बात कर रहा हूँ उसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट की तब फटी पड़ी है, सब चीजें उल्टा हो रहा है, डायरेक्ट पंगे नहीं ले सकते कोई भी। चलो एक और मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। बस्टर कॉल कितना खतरनाक है तुम सबको पता ही होगा, भाई खड़े खड़े आइलैंड को तबाह कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या तुम ये नहीं सोच रहे हो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास क्या आइडिया नहीं आया होगा कि एक ही बार में हम लोग जो है वानों को पूरा बस्टर कॉल से उड़ा देते हैं। भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट ये बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिकॉज पहले भी एक योंको के अंदर ये टेरिटरी था और अब लूफी इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो हाँ, अगर बस्टर कॉल आया ना तो बस्टर कॉल का कोई फायदा नहीं देने वाला, उल्टा वो लूफी से डायरेक्ट पंगा हो जाएगा। और अभी के हिसाब से अगर हम देखने जाएं लूफी का जिस प्रकार का उसका क्रू है, जिस तरह से वो स्ट्रांग है, प्लस वानों के कंट्री के जो लोग हैं वो जिस तरह से स्ट्रांग है, साथ ही साथ अभी तक तो मैंने लूफी के ग्रैंड फ्लीट की बात ही नहीं की, भाई उसमें भी स्ट्रांग कैरेक्टर्स की भरमार है। तो हाँ यार तुम सही समझे, बस्टर कॉल से कुछ नहीं होने वाला। प्लस हमें आने वाले चैप्टर 1053 में ये भी पता चलने वाला है भाई वानों के अंदर ही एंसेंट वेपन प्लूटोन है, तो कौन पागल बेवकूफी करेगा इस आइलैंड के ऊपर हमला करने की। तो हाँ तुम सही समझे, अगर हमला हुआ तो जिंदा गाड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर तब वर्ल्ड गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है। इनका अभी के टाइम पे मेन मोटिव यही है, रॉबिन को पकड़ो, कैसे भी करके पकड़ो। और अगर ये लोग रॉबिन को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो लूफी वन पीस कभी नहीं खोज पाएगा। वैसे हाँ, लेटेस्ट चैप्टर में जिस हिसाब से यार ओडेन का पिताजी का रिवील हुआ है, तो अब यहाँ पर सेकंड चांस भी बन जाता है कि हाँ वन पीस को खोजा जा सकता है रॉबिन के बिना भी, मतलब पॉनिक्लिफ रीड करने वाला चाहिए। लेकिन इन्हें एक और बात नहीं भूलना चाहिए, एक बार जब रॉबिन को किडनैप किया गया था तो पूरा का पूरा एनिस लॉबी का क्या हाल हुआ था, इस बार अगर पकड़ा जाता है तो कुछ और ही कांड कर देगा लूफी। खैर अब मैं बात करना चाहूंगा ग्रीन बुल को लेके। देखो जिस हिसाब से ग्रीन बुल का इंट्रोडक्शन दिया, भाई चश्मा पहन के सॉर्ड भी पकड़ता है, प्लस भाई ये बंदा फॉरेस्ट गॉड वाली पावर रखता है। अब हाँ अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है कि ग्रीन बुल के पास फॉरेस्ट गॉड की पावर है, पर मेरे को जहां तक लगता है जिस हिसाब से यार चैप्टर में दिखाया जा रहा, हो सकता है इसके पास फॉरेस्ट गॉड की पावर हो और वो वाला थ्योरी जो सच नजर आए कि ग्रीन बुल ही फॉरेस्ट गॉड हो सकता है, उसका डेविल फ्रूट हो सकता है। खैर अभी के टाइम पे ग्रीन बुल पे मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ग्रीन बुल पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है वो वीडियो तुमको मंडे को देखने को मिले या फिर संडे को देखने को मिले, पर हाँ वो वीडियो के लिए भी वेट करना। खैर बात करूं अगर मैं ग्रीन बुल की, अगर ये फॉरेस्ट गॉड है ना भाई, तो इसका डेविल फ्रूट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बिकॉज ये गॉड लाइक पावर रखता होगा। और हाँ ये फ्यूचर में हो सकता है ये लूफी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट भी बन सकता है, बिकॉज गॉड लाइक पावर रखना मतलब एक गॉड को दूसरे गॉड से लड़ाना। लेकिन खैर अभी के टाइम पे ये क्या करता है, जिस प्रकार से वानों पे गया है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो चलो यार अब बात करते हैं आखिर फाइनल सागा के अंदर हमें कौन कौन सी मिस्टीरियस चीजें रिवील होती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले बात करूं जॉय बॉय और निका की। देखो अभी भी हमें जॉय बॉय और निका का बारे में अच्छे से नहीं पता है, बिकॉज जब लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन हुआ था तब जॉय बॉय आया था। लूफी के डेविल फ्रूट का नाम हितो हितो नोमी मॉडल निका है, लेकिन इसके बारे में हमें और अच्छे से डिटेल में जानने को कहां पर मिल सकता है पता है, एल्बाफ आइलैंड में, बिकॉज ओडा के तरफ से एक और फॉरवर्डिंग जो है हमें देखने को यहां पर मिल गया था एल्बाफ आइलैंड में मदर कार्मेल के द्वारा, क्योंकि यहां पर सन गॉड लिखा हुआ था। तो हाँ ऐसा हो सकता है कि हमें जॉय बॉय और निका के बारे में अच्छे से मालूम एल्बाफ आर्क में ही देखने को मिले। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो देखो अगर लूफी लाफ्टेल जाता है और एक साथ चीजें अगर ओडा रिवील कर देना बहुत ज्यादा बवाल मच जाएगा, तो इस वजह से ओडा आराम से धीरे धीरे से चीजें जरूर रिवील करेगा। एक साथ चीजें रिवील करने से ना कंफ्यूजन भी ज्यादा पैदा होती है, बहुत सारी चीजें यार लोगों के दिमाग में डाउट भी रह जाता है, तो इस वजह से आराम आराम से ही ओडा रिवील करेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करने जाऊं विल ऑफ डी की, तो ये मेरे को लगता है लाफ्टेल में ही रिवील होगा। और बात करूं इम के फेस की, वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले बुड्ढों की, इन सब के बारे में जानकारी एल्बाफ आर्क के बाद आने वाले आर्क्स में ही धीरे धीरे रिवील किया जाएगा। वैसे वन पीस में बहुत सारे मिस्ट्रीज अभी भी बचे हुए हैं, बिकॉज हमें अभी तक लॉर्ड स्टार आइलैंड का दिखाया नहीं गया, जहां पर तुम लॉक पोस्ट से आखिरी आइलैंड तक जाने वाला आइलैंड वही लॉर्ड स्टार आइलैंड है। पता नहीं लूफी वहां पर जाएगा या नहीं जाएगा, मेरे को नहीं पता। अब वहां पर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगा तो ही जाएगा और वरना नहीं जाएगा। चलो यार अब हम लोग बात करते हैं इस आर्क में हमें कौन कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं जो रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। तो मेरे को जहां तक लगता है सिकी और
एनल या कह लो एनरो, ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो आसमान से जमीन में रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। बिकॉज हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों कितने ज्यादा स्ट्रांग है। अगर तुमको नहीं पता कि सीकी द गोल्डन लायन कितना ज्यादा स्ट्रांग है तो एक चीज मैं बता देता हूँ। एक बार रॉजर और इसकी फाइट हुई थी और उस फाइट में समुन्दर में अगर सुनामी नहीं आता तो भाई सीकी ही जीतता। उस फाइट में रॉजर का हारना तय था पर कुछ कारणों के वजह से वो फाइट ड्रॉ में खत्म हो गया। प्लस इस कैरेक्टर को हराने के लिए भाई सेनगोकू और गार्प को हाथ मिलाना पड़ा था। हाँ भाई वो दोनों मिलके इससे फाइट किए थे तब जाकर के ये कैरेक्टर हारा था। तो हाँ ये बंदा अगर रिटर्न करता हुआ नजर आए तो बहुत तगड़ा तबाही मचेगा। प्लस बात करो और कौन से कैरेक्टर हमें एक्शन में देखने को मिलेंगे तो मेरे को जहां तक लगता है हॉकाई, सैंक्स, बगी, ब्लैक बियर ये लोग हमें एक्शन में जरूर दिखेंगे। साथ ही साथ हमें काटाकुरी भी फ्यूचर में एक्शन में देखने को मिल सकता है और वो देखना भी चाहिए। अब मैं जरा बात करूंगा इस फाइनल सागा में ओडा वॉर को किस प्रकार से सेटअप करेगा। तो देखो जहां तक मैंने वन पीस अब तक रीड किया है तो ये किस प्रकार से होगा मैं तुमको बताता हूँ। लूफी क्या करेगा ना, धीरे धीरे पूरा न्यू वर्ल्ड अपने अंडर ले लेगा। वो एक तरह से हो सकता है अलायंस बना ले, हो सकता है वो कैरेक्टर्स को डिफीट करे, जैसे ब्लैक बियर्ड के साथ फाइट में वो उसको हरा दे, कुछ ना कुछ करके वो पूरा का पूरा जो आधा न्यू वर्ल्ड है ना वो अपने अंडर ले लेगा। अब जब पूरी तरह से आधा न्यू वर्ल्ड अकेले एक बंदे के अंदर आ गया, मतलब लूफी के अंडर आ जाएगा, तो दूसरे तरफ जो आधा जो पैराडाइज वाला जो एरिया है वो किसके अंडर है, वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर। और वर्ल्ड गवर्नमेंट में सबसे ऊपर कौन बैठता है या बैठती है, ईमू। तो हाँ यहाँ पर फाइनल लड़ाई वो आधे आधे वर्ल्ड के रूलर के बीच में होगा। अब मैं लूफी को भी रूलर कह देता हूँ फिलहाल के टाइम पे, बिकॉज वो इन सब जगहों को फ्री कर देगा तो वो एक तरह से आधा हिस्सा तो उसी के अंडर आ जाएगा। और यहाँ पर हो सकता है फाइनल लड़ाई में लूफी जीत जाए, और हाँ उसी का जीतना तय है बिकॉज वो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है और रेड लाइन का डिस्ट्रॉय होना भी तय है। वैसे अभी तक मैंने जो है लूफी के ट्रू ड्रीम के ऊपर बात नहीं किया, बिकॉज लूफी के ट्रू ड्रीम के ऊपर जो वीडियो आएगा बहुत जल्द उस पर भी थ्योरी पे काम चल रहा है लूफी का ट्रू ड्रीम क्या हो सकता है। तो हाँ लूफी के ऊपर भी मैं बात करूंगा और इसको मैंने इस वीडियो पे कवर नहीं किया बिकॉज मैं उस वीडियो में कवर करूंगा। साथ ही साथ ग्रीन बुल को लेकर के भी मैं बात करूंगा उसके अलग से वीडियो में। प्लस बात करूँ लिलिन और काइडो की तो मेरे को नहीं लगता ये दो कैरेक्टर मरे हैं और ये दो कैरेक्टर हमें फाइनल सागा में रिटर्न करते हुए जरूर नजर आएंगे। और ये दो कैरेक्टर भी हो सकता है लूफी के साइड से ही फाइट करते हुए नजर आए। वैसे अभी तक वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी एक चीज पे बात करना बाकी रह गया, एंसेंट वेपन। चलो सबसे पहले बात करते हैं एंसेंट वेपन का, मैं सबसे पहले कहां पर मालूम पड़ा था तो अलाबास्टा आर्क में हमें प्लूटोन का लोकेशन दिया गया था जो कि वानो कंट्री में है। स्काइपिया में हमें पोसाइडन का लोकेशन दिया गया था। मेरे को जहां तक लगता है ना, अब देखो इसको प्रूव करने का कोई 100% मेरे पास कोई गारंटी नहीं है और ना ही मेरे पास कोई पॉइंट है, बस ये मेरा एक अजम्पशन है समझ लो, मेरे को ऐसा लगता है। तो इसको तुम लोग सीरियसली मत लेना, पर जिस तरह से बगी वाला वीडियो था ना उसी तरह से ये समझ लो। मेरे को ऐसा लगता है कि ओनिगासिमा स्कल के अंदर जो वाला पॉनिक्लिफ था ना जिसे लॉ ने खोजा था उसमें यूरेनस के बारे में लिखा हुआ है, हो सकता है उसमें यूरेनस का लोकेशन हो। तो इस चीज को यार सीरियसली मत लेना, इसको मैं बस अजम्पशन की तरह कह रहा हूँ। और हाँ वैसे एंसेंट वेपन के भी ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, 1.5 के लाइक उम्मीद है तुम लोग करवा दोगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो वीडियो देखने के बाद तुम्हारी मर्जी है, करना करो नहीं करना मत करो, लेकिन मुझे जहां तक लगता है तुम सभी ने वीडियो को एंजॉय किया होगा और अगर किया है तो कर दो। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना अगर तुम सब मेरे से बात करना चाहते हो तो, तुमको डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।